नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे घुटने टेके इंग्लैंड के गेंदबाजों ने और भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया सेमीफाइनल में विशाल स्कोर। और फिर उसके बाद गेंदबाजी में आया अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का तूफान और भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में अंत में इस तरह से जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की इस जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच खेला गया, जहां इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की। लेकिन एक छक्का लगाने के बाद विराट कोहली 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 19 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने ऋषभ पंत आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक छोर पर रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी सैम करन ऋषभ पंत को 4 रन के स्कोर पर आउट करके भारत को 40 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर रोहित शर्मा का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव आते और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज भारत को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए खेल रुकता है, लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव आकर बल्लेबाजी करते हैं और फिर से भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और रोहित शर्मा ने भी शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद रोहित शर्मा भी 39 गेंदों पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आदिल राशिद का शिकार हो जाते हैं और 113 रन के स्कोर पर भारत को रोहित के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं। सूर्य कुमार यादव भी अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी जोफ्रा आर्चर को छक्का लगाने के चक्कर में वो भी 47 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 124 रन के स्कोर पर यादव के रूप में भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर अंत के ओवरों में हार्दिक पांड्या और जडेजा शानदार पार्टनरशिप करके स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए, लेकिन वो भी 13 गेंदों पर 23 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और 146 रन के स्कोर पर पांड्या के रूप में भारत को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर आते ही पहली गेंद पर शिवम दुबे भी 0 रन पर आउट हो जाते हैं और 146 रन पर दुबे के रूप में भारत को छठा झटका लगता है। फिर अंत के ओवरों में अक्षर पटेल और जडेजा शानदार बल्लेबाजी करते हैं। जडेजा 2 चौके की मदद से 17 रन बनाते हैं, वहीं अक्षर पटेल ने भी एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन वो आखिरी ओवर में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 170 रन के स्कोर पर अक्षर के रूप में भारत को 7वां झटका लगता है और भारतीय टीम 20 ओवर में 171 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है और इंग्लैंड के 4 गेंदबाजों ने 1-1 विकेट चटकाया, वहीं क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट चटकाए और जवाब में 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से पी साल्ट और जोस बटलर ने पारी की शुरुआत की। जोस पटलर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में 4 चौके लगाते हैं। लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत देंगे, लेकिन तभी अक्षर पटेल आते ही पहली गेंद पर जोस बटलर को 23 रन के स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम 26 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका देती है। उसके बाद साल्ट का साथ निभाने मोइन अली आते हैं, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज काफी धीमा खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन तभी पी साल्ट बुमराह का शिकार हो जाते हैं और 5 रन के स्कोर पर बुमराह द्वारा बोल्ड हो जाते हैं और 34 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद जॉनी बेयरस्टो साथ निभाने के लिए मोइन अली आते हैं, लेकिन जॉनी बेयरस्टो भी अक्षर पटेल की पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं और 0 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं और केवल 35 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर मोइन अली का साथ निभाने हैरी ब्रूक आते हैं, लेकिन मोइन अली भी 8 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और 46 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक का साथ निभाने सैम करन आते हैं, लेकिन सैम करन भी कुलदीप यादव का 2 रन के स्कोर पर शिकार हो जाते हैं और 49 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम के 5 विकेट गिर चुके थे। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं और 3 चौके लगाते हैं, लेकिन तभी वो भी कुलदीप यादव द्वारा बोल्ड हो जाते हैं और 25 रन बनाकर आउट होते हैं और 68 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद क्रिस जॉर्डन आते हैं, वो भी 1 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं। एक छोर पर लिविंगस्टन अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभी भी 44 गेंदों पर इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 99 रनों की जरूरत थी और 7 विकेट इंग्लैंड की टीम खो चुकी थी और इस मुकाबले में भारतीय टीम शानदार गेंदबाजी करते हुए आसानी से जीत हासिल करके फाइनल में अपनी जगह बनाने में सफल रहती है और अब फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका और भारतीय टीम के बीच खेला जाएगा और भारतीय टीम ने इंग्लैंड को जिस तरह से धूल चटाई है, लग रहा है कि भारतीय टीम आसानी से फाइनल मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस बार अपने नाम करेगी। तो